अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी आज का वलीमे का व्लॉग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिस्टर के यहाँ, जो है नाश्ता वगैरह लेके जाते हैं। तो मौसम जो है ना बहुत ही खूबसूरत है कराची का। अभी तक कराची का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अभी जो ये व्लॉग है ना बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी थी फैमिली के अंदर। तो जी हाथों की मेहंदी का कलर कुछ इस तरह से आया है, और सिर्फ चंद ही मिनट के मैंने लगाया था, और माशाल्लाह रंग बहुत ही खूबसूरत आ गया था। जा रहे हैं, मेरी छोटी भाभी जा रही है, साथ मेरी सिस्टर जा रही हैं बड़ी वाली, और साथ हमारी पप्पा जा रही हैं, और जो है छोटा भाई मतलब मुझसे तो बड़ा है लेकिन वो जो है वो ड्राइव कर रहा है। तो जी हम जा रहे हैं सिस्टर के घर पर। और दूसरा ये कि जो आज का व्लॉग है थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माजर चाहती हूँ। वलीमे का व्लॉग बहुत शॉर्ट बना पाई हूँ, क्योंकि सम रीज़न्स जो ये थे कि आज टाइम बहुत कम हो गया था हमारे पास। जब हम पहुँचे हैं तकरीबन जो है वो हॉल बंद होने का टाइम करीब करीब था, क्योंकि कोरोना की वजह से टाइमिंग बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कर दी थी, खाना पूरी लग गया था। तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए, कुछ फ़ोटोज़ दी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप फिलहाल मौसम को चेक करें, इंतहाई हसीन मौसम था। जब से हम पहुँचे हैं कराची तब से हमने जो है ना वो सूरज तो देखा ही नहीं था। खैर जी पहुँच गए हैं हम लोग सिस्टर के घर, और ये मेरे सिस्टर का रूम है, और अभी वो मैं दिखा रही थी कि उसे मुँह दिखाई में क्या मिला है। तो माशाल्लाह से इसको ये जो है गोल्ड की जो है ना टॉप्स, और साथ में लॉकेट और चैन था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। अल्लाह पाक बड़ा नसीब फरमाए। और नाश्ता रख के नाश्ते में हलवा पूरी ब्रेड और सात तरकारी थी। और जी अब हम रेडी हो रहे हैं वलीमे के लिए। तो मेरे हाथों में भी फिलहाल मैंने नेल पेंट लगा ली है, और मेरी पॉलर आई हुई थी, और जी कपड़े जो है हमने पहन लिए हैं और रेडी भी हो चुके हैं तकरीबन। तो वो भी आपके साथ हम फोटोशूट जो है वो भी शेयर करेंगे। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं हॉल के लिए, बाकी सब रेडी हो रहे हैं, बच्चे भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और यहाँ जो है वो हमार भी रेडी हो चुका है। तो मेरी जो सिस्टर है उसे पकड़ के लेकर आ रही थी, जो मेरे चाचू की बेटी भी है। तो अभी चलने लग चुके हैं तकरीबन, लेकिन फ़िलहाल ही बहुत शरारती हुआ, अभी टिकता नहीं है। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं कोच के अंदर, और बस सारे जो हमारे मेहमान वगैरह हैं वो सब इसमें बैठ रहे हैं बारी बारी। तो और अब हम पहुंच चुके हैं हॉल में। तो माशाल्लाह बच्चियों ने जो है वो स्कर्ट पहना था, बच्चियों की पिक्चर मुझसे मिस हो गई है, सो उसके लिए सॉरी। बट फिर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर मुझसे हो सका तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह से हॉल बहुत ही खूबसूरत था, और अभी आप देख सकते हैं इसकी डेकोरेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लाजवाब है। मुगले आज़म नाम था इस बैंक्वेट का, बट वही बात ही हमारे पास टाइम बहुत शॉर्टेज था, कोई वीडियो अपनी सिस्टर के साथ में नहीं बना पाई थी। और बस ये तो इनका जो फ़ोटो शूट हुआ था उस पर सबने जो है ना एक फ़ोटो ले ली थी, बस यही है, दैट्स इट। उसके बाद हमारी कुछ पिक्चर्स हैं और मेरे हस्बैंड के साथ हैं। मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये मैंने इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाया था, और सूट बाय साथिया, ठीक है। और आपने वहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन में डाल भी दिया है, अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फिर आपको हैंडल नज़र आ रहा होगा, या डॉट आप होता हो जरा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी देती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी देती हूँ, ठीक है। और ये हम सब फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी पिक्चर्स बनाई है, इसमें से एक मिस भी है। सेकेंड डे हम लोग आए थे कज़न के घर, कज़न ने हमारा खाना था, और वहाँ पर हम लोगों ने अभी चीज़ें मील्स इंजॉय करेंगे। और उसी दिन के बाद हमारा जो है वो मुल्तान का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा, हम वापस जाएंगे। और जो भाभी ने शाशलिक बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही अमेजिंग थे। और अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, और स्टेशन में हमारी स्लीपर था जिसमें हमें वॉशरूम नहीं था, हमने वॉशरूम के बगैर ही स्लीपर लिया था। और हम मार्को में ऊपर बैठाया है, फुल फ्रीज़ वाला मौसम था, यानी कि एसी जो था फुल था। अभी बच्चों को मैं कपड़े भी चेंज करवा दूँगी, डबल पहना दूँगी ताकि इनको सर्दी ना लगे। और मौसम बहुत ही अमेजिंग था कराची का। सो बस ये भी इसके बाबा गए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए स्टेशन पे, हम कुछ भूल गए थे, जैसे कि बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ वगैरह लेनी थी, और मैंने कुछ यम्स मंगवाई थी क्योंकि सफ़र कर आए थे तो कुछ ज़्यादा ही दिल घबरा रहा था। तो मैंने कहा मुझे कुछ खट्टी टॉफ़ी ला कर दे दीजिए ताकि मेरा जो मुँह का जायका ना वो ठीक हो जाए।
तो जी बस हमारी अब ट्रेन चल पड़ी है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया कराची में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा से हमने शादी को एंजॉय किया और कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की। सो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।